हेलो गाइस, आज एक नया वीडियो बनाएंगे, वर्कआउट वीडियो। उसमें क्या है कि बहुत सारा लोग पूछ रहा है, भैया आप तो वीडियो डाल रहे हैं, आपके पास डंबल है, आपके पास वेट है, आप तो कर रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा कुछ दिखाया है जब सब लोग कर सकते हैं। तो मैं एक रेजिस्टेंस बैंड लेके आया हूँ, तो रेजिस्टेंस बैंड से जितना सारा वर्कआउट होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और दिखाएंगे कैसे कैसे क्या क्या वर्कआउट करना है। तो एक फुल बॉडी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चलिए मिलते हैं। चलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस बैंड से आप लोगों को वार्म अप कर लेना है। मेरे पास जो बैंड है उसको आप लोग ऐसे पकड़िएगा, ठीक है। ऑन स्टेज पीछे जाना है, सामने आना है, ठीक है। और थोड़ा टाइट हो जाएगा तब लूज कर लीजिएगा, ठीक है। लूज कर लीजिए वन, अब 10 टाइम्स कीजिएगा। ये आपका शोल्डर जॉइंट का मोबिलिटी एक्सरसाइज है। और जिसको और भी टाइट चाहिए, छोटा थोड़ा छोटा भी करना है, कर सकते हैं, ओके। फाइव 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 करके दिखाएं। उसके बाद आपको करना है सेम साइड में, देखिए, ओके। वन टू, ये आपका लव हैंड है, आपका विंग्स स्ट्रेच हो जाएगा, राइट। तो ऐसे आपको कर लेना है ईच साइड फाइव फाइव, ठीक है। और उसके साथ आपका है फुल डाउन, जो मॉन्स्टर फुल डाउन हम लोग करते हैं, तो आपका हिप ट्रेन के लिए तो आपको करना है। धीरे धीरे ऐसे ही करना है। नेक्स्ट अभी आपका वर्कआउट में आना है, ठीक है। सबसे पहले आप हम लोगों का होगा स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स कैसे करना है, आपको बार रख देना है और इसको क्रॉस कर लेना है, ऐसे क्रॉस कर लीजिए, ओके। देन स्क्वाट, बार थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं आप, तो टाइट हो जाएगा रेजिस्टेंस में। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, हो गया आपका स्क्वाट्स। तो 10 करके आपको 3-2 या 3 सेट करना है। उसके बाद आपका रहेगा रेजिस्टेंस बैंड डेडलिफ्ट। देखिए डेडलिफ्ट क्या करना है आपको, साइड में डेडलिफ्ट होगा, साइड में शोल्डर लेवल। वन टू, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं आपका हिसाब से। थ्री डेडलिफ्ट तो सबको पता, हम साइड से भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए जो हो गया आपका डेडलिफ्ट, उसके बाद आपका रहेगा सिंगल लेग डेडलिफ्ट। देखिए सिंगल लेग आपको बैंड थोड़ा छोटा कर लेना है, आप उसको ऐसे भी कवर सकते हैं, जैसे भी आपका मर्जी है, जैसे भी आप पकड़े, बैंड को टाइट होना चाहिए। देखिए ये है, ये हो गया आपका स्ट्रेट सिंगल लेग, एक पाव ऊपर रहेगा। वन स्लो मोशन में दिखा दे रहा हूँ, ओके। टू थ्री फोर फाइव, उसके बाद फिर से नेक्स्ट लेग पे। वन टू थ्री फोर फाइव, जो लोग बैंड से दिक्कत होगा वो लोग नॉर्मली कीजिएगा। नॉर्मली करने के लिए देखिए वन टू थ्री, ओके, ऐसे ही आपको करना है। आप सपोर्ट भी ले सकते हैं धीरे धीरे, एकदम नॉर्मली धीरे धीरे सपोर्ट ले सकते हैं। वन टू ऐसे भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें कीजिए सिंगल लेग डेड लिफ्ट। उसके बाद आपका रहेगा लंजेस। लंजेस आपको फ्री करना है, वो बैंड का जरूरत नहीं है। देखिए वन टू थ्री फोर
फाइव। ध्यान में रखिएगा आपका नी बाहर नहीं जाएगा, हिप नीचे आएगा, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब देखिए अभी होगा आपका लंजेस हो गया। मैं छोटा इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग पूरा तक देखिए, क्योंकि बहुत सारा लोग एनालिसिस करके हम देख रहे हैं कि पूरा आप लोग नहीं देख रहे, तो पूरा एंड तक देखिए और बहुत मज़ा आएगा। आप लोग कीजिए कंटिन्यूसली, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अभी होगा आपका पुशअप। आप नॉर्मल पुशअप भी कर सकते हैं मगर हम लोग आज रेजिस्टेंस बैंड से कर रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस बैंड से पुशअप करेंगे। देखिए कैसे होगा, पीछे ले लेना है आपको, अरे आपका हाथ में रहेगा, आपको बॉडी में जाके ये हो गया आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो ये हो गया आपका 10 पुशअप रेजिस्टेंस बैंड के साथ। रेजिस्टेंस बैंड के साथ कीजिएगा, बहुत टफ है क्योंकि देखिए वो आपको नीचे ऊपर उठने नहीं दे रहा है, आपको ग्रेविटी के ऑपोजिट जाके वर्कआउट करना है। ये वेट ट्रेनिंग से भी बहुत अच्छा है, आप रेगुलर कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अभी होगा आपका इन्वर्टेड रो। इन्वर्टेड रो तो है आपको डेडलिफ्ट जैसा ही पकड़ना है ग्रिप और स्लाइटली बेंड होना है, और आपको वन आपके बैक के लिए है, टू थ्री फोर, ठीक है। आप देखिए साइड से भी देख लीजिए एक बार, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। आप लोग दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए उसको छोटा करके भी आप कर सकते हो। अभी होगा आपका शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस भी सेम ग्रिप करके आपको पकड़ना है, और ये है हो गया आपका शोल्डर प्रेस का ग्रिप। ये रेजिस्टेंस नया है तो बहुत हार्ड है, आप लोग ऐसे ही करना है, आपको ग्रिप पकड़ना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। समझ में आ रहा है ना ग्रिप कितना टाइट है, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। ये हो गया आपका शोल्डर प्रेस, नया है इसलिए बहुत हार्ड है, आप लोग करते करते इजी हो जाएगा, और नहीं हो पाएगा तो आप लोग सिंगल लेग में पकड़ के एक एक हाथ में कीजिएगा तो आपके लिए इजी है। वन टू थ्री ओके, अब आप ऐसे कीजिएगा। चलिए अभी होगा हम लोगों का पुल अप। आप इस बैंड को कहीं पे भी अटका लीजिए, उसको अटक के आपको ऐसे पकड़ लेना है, थोड़ा पेन हो रहा है, और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ठीक है। तो इससे आपका बैक का वर्कआउट हो गया, आपका इन्वर्टेड रो, और उसके बाद आपका पुल अप। तो कहीं पर भी इसको अटका लीजिए, अटक के आप लोग कीजिए। ठीक है अभी होगा आपका बाइसेप कर्ल, ठीक है। चलिए वन ऐसे आपको एक लेग में होल्ड कर लेना है, उसके बाद टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। ये हो गया आपका बाइसेप का। तो एक लॉक करके इसको करना है। चलो अभी होगा देखिए ड्रॉप स्क्वाट। आपको ग्रिप में दोनों पासे उसको पकड़ के छोड़ देना है, ड्रॉप स्क्वाट के साथ आपका होगा अपराइट। देखिए ऐसे ही वन
थ्री आपका शोल्डर और ट्रैपेजियम के लिए है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। सर ऐसे कीजिएगा ड्रॉप स्क्वाट एंड अपराइट। अभी होगा आपका वुडन चॉप। वुडन चॉप आपका लैब हैंडल एंड विंग्स के लिए है। देखिए एक लेग्स में आपको लगा दिए, थोड़ा सुमो स्क्वाट जैसा आपको प्लेस लेना है और इसको थोड़ा छोटा करके पकड़ना है जो टाइट हो, ऐसे ही चॉप करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ओके। और इस साइड भी आपको कर लेना है सेम। देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये हो गया आपका वुडन चॉप। चलिए ये हो गया आपका ख़त्म आज का रेजिस्टेंस वाला ट्रेनिंग। और इसके साथ थोड़ा कोर ऐड कर लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप नीचे लिंक फॉलो कीजिए। और मैं जो रेजिस्टेंस बैंड है उसका भी हम लिंक दे देंगे, तो आप नीचे चेक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।